राधा को वकील करूँगा। बहुत ही प्यारा ये भजन मेरा श्री हंस आर्ट्स क्रिएशन के द्वारा, म्यूजिक महल के द्वारा निकला था और बहुत लोगों ने इसको पसंद भी किया है और पसंद कर भी रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा होगा ये मेरा भजन। और साथ साथ में एक छोटा सा मेरा चैनल है रविशंकर ऑफिशियल यूट्यूब पे, प्लीज़ उसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में आप लोग से जानते हैं, जब मैं छोटा था मुझे म्यूजिक शौक सीखने का बहुत शौक था, तो मेरे पास ना ऑर्गन नहीं हुआ करता था या हारमोनियम नहीं होता था। मैं गुस्सा होता था बहुत, मतलब परेशान रहता था। मैं अपने घर वालों में सभी को मैं मतलब पटाता रहता था कि मेरे लिए एक हारमोनियम खरीदता, लेकिन कोई नहीं खरीदता था। क्योंकि पहले जो मेरे दादाजी थे श्री कैलाशपति मिश्रा जी, उनको मेरा गाना अच्छा तो लगता था, लेकिन कहते थे नचनिया बजनी वाला काम है। लेकिन तभी मैं कहीं गा के आता था तो बड़े खुश होते थे, उनको अच्छा लगता था कि हाँ मेरा जो नाती है बहुत अच्छा गाता है। और मैंने हारमोनियम सीखने के लिए, आपको यकीन नहीं करेंगे, क्लासिकल सीखने के लिए जो हमारे गुरुजी होते थे, मैं उनके हारमोनियम को रोज़ साफ़ करता था, बैठ के साफ़ करता था। नहीं तो मैं पेपर पे हारमोनियम के वो बना के सारे स्केल बना के मैं उसके साथ सीखता था कई बार। तब भी मैं इतना ज़्यादा क्लासिकल नहीं सीख पाया और ना ज़्यादा क्लासिकल कर पाता हूँ। लेकिन हाँ यह है कि जो गाता हूँ उसमें बड़ा सुकून मिलता है मुझे और बहुत अच्छा लगता है मुझको गाने में। इसी के साथ अपनी ये बातें यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा, आप लोग के बीच आऊँगा और आप लोग से मिलता रहूँगा ऐसी देवेंद्र जी के चैनल के माध्यम से। और प्लीज़ इनके चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। और बहुत ही अच्छे अच्छे मेरे गीत आ रहे हैं, लव सॉन्ग भी आ रहे हैं श्रीहंस आर्ट्स के, आप उसको भी सुनते रहिए। जाते जाते भस्म लगा के मन का चोला, गिरुआ रंग में रंग लिया है, तेरे नाम का औगड़ दानी मैंने भंग भी पी लिया है। ये मेरा बहुत ही अच्छा एक भजन आया है, इसको भी आप सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे। जय श्री राम।